ये जाने नहीं देगा बाबा। काय करतो हा नॉट श्योर, कोई बचा होगा। ये रास्ता नहीं चाहिए यार। वेल सुबह के बज रहे 6 और हम फिर से है मुंबई बेंगलोर हाईवे। इस बार हम जा रहे हैं गोवा। फाइनली प्लान बन गया और सब लोग रेडी भी है। इट्स क्वाइट डार्क बाय द वे। हम लोग बाइक से सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं, बाकी लोग तो बस से आने वाले हैं। बाकी एक्साइटमेंट तो टॉप नॉच है अपने। अभी एक्साइटमेंट के हमारे तो सवेरे 4 बजे से उठ के बैठा था। तो लेट्स सी कैसा रहता है अपना गोवा वाला टूर। तो आज है 19 फरवरी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत होता है। तो रात भर से लोग पूरे प्रिपरेशन में रहते हैं एंड सबकी गाड़ियों पे आपको झंडे वगैरह दिखेंगे। न्यू कात्रज टनल, पुराना टनल भी है इसके बाजू में, बट दिस इज़ न्यू। मतलब बहुत सालों से न्यू ही बोलते हैं। तो गोवा वाली जर्नी में अपना पहला स्टॉप आ गया है। स्टॉप एज इन 25-30 किलोमीटर बाहर आने के बाद पुणे से। चाय पीने का सोचा तो यहाँ पे रुके हुए हैं, तो चाय पीते हैं फटाक से आगे चलते हैं। तो पुणे के जस्ट बाहर निकले ही है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शिव भक्त है वो अपने गाड़ियों पे भगवा लगा के भगवा लहरा के घूम रहे हैं। बिलीव मी, ऐसे मैंने 100 गाड़ियाँ देखी होगी अभी तक। आज जयंती इसीलिए ये मशाल लेके गढ़ पे जा रहे होंगे। ये पुणे के अराउंड वाले नज़ारे जो है ना बहुत ही सुंदर है यार। जगह का नाम तो नहीं पता लेकिन बहुत सुंदर है। और उस नदी के बीच में एक वाटर पंप स्टेशन है वहाँ पे और शिव भक्त। स्पेशली आज के दिन तो मतलब ऐसे सवेरे से चहल पहल है, सब लोग जा रहे हैं गढ़ पे पैदल भागते हुए मशाल लेके। और हम चले हैं गोवा। आई एम श्योर कि ये ट्रिप आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैं तो एंजॉय करूँगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और आपको फर्स्ट टाइमर वाला एक्सपीरियंस मिल सकता है कि भाई साहब ये फर्स्ट टाइम जाने के बाद जो खुशी होती है ना, आप में से कोई अगर पहले गया होगा तो दे माइट हैव नोन कि गोवा के लिए कितनी प्लानिंग लगती है और प्लानिंग होने के बाद कितने बार कैंसिल होता है। बट मेरे केस में दिस इज़ फॉर वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव प्लान्ड इट एंड मैंने भाई सक्सेसफुली प्लान कंप्लीट करने के राह पे हूँ मैं। वो कंप्लीट हो ही जाएगा। पहला सर्किट है घाट सेक्शन। काफ़ी अच्छा रोड है और काफ़ी बड़ा भी है और वन वे होने के कारण काफ़ी इजी भी जा रहा है। आराम से चलना पड़ेगा। यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी आर स्टिल ऑन दी हाईवे। यहाँ से 12 किलोमीटर पे वाई आता है, पचगनी आता है और महाबलेश्वर आता है 44 किलोमीटर्स पे। तो ये ब्रिज, ये जो अगला ब्रिज है वहाँ से नीचे जाके यू नीड टू टेक राइट और राइट लेने के बाद महाबलेश्वर आता है 44 किलोमीटर्स। अभी सातारा शुरू होने से पहले एक टोल गेट आता है। बाकी यहाँ पे लेन में हमें लगने की ज़रूरत नहीं, अपना पहले से ही फास्टैग है क्योंकि अपन 2 व्हीलर पे है। 2 व्हीलर के फ़ायदे। और यहाँ पे पुलिस वगैरह है काफ़ी। सातारा में मेरा एक बचपन का दोस्त है, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको भी विजिट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मेरे एक दोस्त को मिलने आने वाला हूँ। वो सातारा में, मेरे नागपुर से दोस्त है और इसका यहाँ पे होने वाला है शो। तो ये बेसिकली आर्टिस्ट है, इनका शायद नंबर पहले ये देखते हैं अभी हम रुक पाते हैं नहीं रुक पाते हैं। अपने दोस्त को मिले और आगे निकल रहे। बाकी यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है काफ़ी सही है। जो भी आर्टिस्ट लोग हैं वो यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हुए हैं। तो दिस इज़ गुड यार, अच्छा हुआ। वी आर लाइक हैप्पी दैट वी केम। सातारा से आगे निकलने के बाद NH4 पे ज्वाइन किए जो कोल्हापुर तक जाता है। कोल्हापुर यहाँ से कुछ 113 किलोमीटर से। वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब देखो ना, हरे हरे पेड़ है और उस पर येलो फ्लावर्स। दैट इज़ लुकिंग रियली नाइस। आई एम एक्चुअली एंजॉइंग दिस राइड। आराम से क्रूज करके 60 पे अपन जा सक रहे हैं। तासावड़े टोल नाका वाला चाक। बाबा काय करतोय हा? बाइक तो निकालने दी, कैसे भी गाड़ी डाल देते यार लोग। दीपक तो राइड बहुत ही सही जा रहा है, रास्ते बहुत खूबसूरत है, रास्ते बहुत अच्छे हैं। ओ ये कराड़ वाला पुल है, नाइस। ये मस्त पैटर्न में उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया, थोड़ा डिस्टेंस कम होता जाता है एंड देन तो कराट से आगे आने के बाद हम लोगों ने एक क्विक ब्रेक लिया है। आई थिंक ये नाश्ता वाला पहला ही ब्रेक रहेगा अपना, भूख लग गई है। अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो इचलकरंजी है वो अभी 67 किलोमीटर्स पे है। अभी अपने पोहे आ गए, वो खा के फिर निकलते हैं। चलो चलते। 35 किलोमीटर्स बचा है इचलकरंजी के लिए, बट स्टिल दिस प्लेस इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और एक साइड में तो ये डिवाइडर पे वाले पेड़ है, दूसरे साइड में बड़े बड़े पेड़ है, एंड उसके अगर उस पार देखोगे तो वहाँ पे गन्ने की खेती है। तो ये एरिया में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, जिसके चलते आपको हर जगह पे गन्ने के ट्रक्स, गन्ने की फैक्ट्रीज और गन्ने की खेती ये देखने को मिलेगी। यहाँ के जो फार्मर्स हैं ना, दे आर लाइक प्रिटी स्ट्रॉन्ग वेल्थ वाइज। अभी जस्ट हाईवे से कोल्हापुर से पहले एक लेफ्ट आया, वो हमने ले लिया है और ये डायरेक्ट जाएगा इचलकरंजी को। 2013 के बाद अभी पहली बार जा रहा हूँ 2021 में। तो ये है मेरा कॉलेज, जहाँ पे मैं अपने लाइफ के 4 साल पढ़ा हूँ और अभी मैं एलुमनी बन के आया हूँ यहाँ पे। सो दिस वॉज द कॉलेज और ये पूरी बिल्डिंग ये लाइब्रेरी थी। तो कल का दिन इचलकरंजी में बहुत अच्छा रहा। कॉलेज गया, दोस्तों से मिला, अलग अलग खाने ट्राई किए। इचलकरंजी तो सक्सेसफुल रहा। अभी हम निकल रहे हैं गोवा के लिए। अभी टाइम कुछ हुआ है सुबह के 5:09। 5 मिनट में निकल जाएंगे अपन लोग गोवा वाले रास्ते पे। तो अभी जस्ट हमने इचलकरंजी के होटल से चेकआउट किया और हम निकले अंबोली घाट की तरफ। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक आपको लेके जाएगा बेड़गांव से और दूसरा रास्ता आपको लेके जाएगा अंबोली घाट से। तो हम लोग अभी अंबोली घाट वाला रास्ता लेने वाले हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हमें कल दोस्तों से पता चला कि जो बेड़गांव वाला रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है और वो ख़राब होने के कारण वहाँ से जाने में मतलब नहीं है। अंबोली घाट भी बहुत खूबसूरत है, प्लस वहाँ से 30 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा, लेकिन रास्ता बहुत सही है। टाइम 5:15 के आसपास हो गया है वैसे। ओ भाई साहब, रास्ते सरल थे ना, ये रास्ता नहीं चाहिए यार, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ऑलरेडी अपन हाँ धीरे धीरे चल रहे हैं। फाइनली एक अच्छा रास्ता लगा, दिस इज ऑन नेशनल हाईवे, नंबर मुझे पता नहीं है। अभी हमने जस्ट निपानी क्रॉस कर दिया है। निपानी क्रॉस करने के बाद अभी इसी हाईवे से स्ट्रेट थोड़ी देर जाने के बाद एक टर्न है कोई, तो दैट वी नीड टू फिगर आउट। बट भाई अभी मज़ा आ रहा है। अभी 60 पे तो चल रही है, तब से मैं 30 पे 20 पे चला रहा था। एक कोलेजन हुआ है, अच्छा ट्रक पलटी कर गया। वो वो नॉट श्योर कोई बचा होगा। और ये रिसेंटली ही थोड़ी देर पहले हुआ है, क्योंकि उसकी लाइट्स अभी भी जल रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर रोड पे मैं एक ट्रक से पास कर रहा था और मेरी गाड़ी ऐसे हिल रही थी, बिकॉज यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। मे बी ये थोड़ा ऊपर है, ऑन अ हायर एल्टीट्यूड, इसीलिए हो रहा है ये हाईवे पे। बट यस, तब से मैंने गाड़ी स्लो कर दिया, आराम से चल रहा हूँ फालतू में काई को। तो भाई शंकेश्वर में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा है। बिलीव मी, 93 रुपीज़ में मिला मेरे को, मज़ा आ गया। और यहाँ से हम अम्बोली के लिए जाएंगे, अम्बोली घाट के लिए। और शंकेश्वर से वो जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप से हमने सर्विस लेन पे गाड़ी ले ली है और सर्विस लेन से अभी एक आगे से राइट लेके गढ़िंगलज की तरफ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोड। ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ है, पीछे भी 3-4 पेड़ गए और आगे भी 1-2 पेड़ है। उनकी जो जटाएँ हैं वो ऐसे पूरे छट गई है ऊपर से, जितना साइज़ का व्हीकल मैक्स यहाँ से जाता होगा उसके साइज़ में। और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। ठंड भाई लग रही है, अच्छी वाली लग रही है। अभी चाय बहुत ज़रूरी है भाई, तो रुक के पीते हैं चाय। तो गढ़िंगलज में हमने किया नाश्ता इस होटल में, उडुपी ग्रैंड। तो काफ़ी अच्छा खाना था। चाय वाय पी ली बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। अभी निकल रहे गोवा की तरफ। आई थिंक और 175 किलोमीटर्स हमें जाना है अपने स्टे तक, और यहाँ से गोवा आगे। वैसे पूरा जंगल जैसा लग रहा है नहीं, पूरा डार्क हो गया है और झाड़ियाँ बहुत घनी हो गई है। ये देखो, ये पूरा गाँव जो आजरा का स्टार्टिंग है ना, ये पूरा ऐसे बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ है। फिर से यहाँ पे जंगल शुरू हो गया है, बहुत डेंस है। और आई थिंक घाट भी शुरू ही हो गया है। अम्बोली अभी 24 किलोमीटर्स बचा हुआ है। मज़ा तो आ रहा है राइड करने में। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि भाई साहब आप अम्बोली वाले रास्ते से आओ, रास्ते काफ़ी सुंदर है यार। तो आप देख पा रहे हो, बहुत ही प्यारी वैली। वाह नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सारी व्हीकल्स लगी हुई है, राइडर्स वगैरह लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ओ यहाँ पे फॉल रहता होगा ना, अभी थोड़ा बहुत फॉल बचा हुआ है, एकदम छोटा सा आ रहा है। ये पानी का फ्लो देख रहे हो, इतना ही बचा हुआ है। बट दिस मस्ट बी अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और बाकी ये वैली जो आपने देखी ही। दानोली गढ़ के ऊपर बना हुआ गांव है, अभी भी वो कबीलू वाले ही घर है यहाँ पे। मुझे ऐसे प्रॉपर जो अपने छत वाले होते हैं वैसे कम दिख रहे हैं। और आपको एक मुद्दे की बात बताऊँ, मैं पुणे से निकलते वक्त अपने डॉक्यूमेंट वहीं पे भूल गया। तो व्हाट आई डिड इज़, मैंने जो घर पे बंदा था मेरे, उसको मैंने बोल के फोटोज़ मंगा लिए। इचलकरंजी जब पहुंचा तो कल रात में मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके डिजीलॉक करके एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है जिसमें ऑनलाइन आप दिखा सकते हो, तो वो करके मैंने अपने डिजीलॉक में इनरोल कर लिया। नाउ आई हैव एवरी डॉक्यूमेंट। हाँ हाँ गोवा तो लीला नहीं बता रहा है, चले। ये है सावंतवाड़ी, सावंतवाड़ी का स्कूल, सावंतवाड़ी के लोग, सावंतवाड़ी का रास्ता। सावंतवाड़ी से लेफ्ट लेके हम लोग जाएगा गोवा की तरफ। तो अभी भाई चाय पीने के लिए रुके। अभी भी 62 किलोमीटर बाकी है। कोस्टल एरिया से रास्ता नहीं है, बाहर से ही रास्ता है। वो एक कोस्टल एरिया से तो मज़ा आ गया। घाट इतना बड़ा था वो, लास्ट में मेरे को बोर हो गया, नींद आने लगी। फिर उसके बाद आगे का रास्ता यहाँ पे रास्ते पे काम चल रहे तो अभी चाय पीने रुक गए। रात में लेट हो गया तो सोने के लिए सभी लोग लेट हो गए। ठीक है, फिर चाय पीते और फिर निकलते हैं। भाई कंस्ट्रक्शन के काम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यार, हर जगह पे जाम हो रहा है उसकी वजह से। बट आई एम श्योर कि एक बार ये ख़त्म हो गया ना तो रास्ते काफ़ी स्मूथ बनने वाले हैं। भाई गोवा वाला ट्रैफिक भी एक्सपीरियंस कर लो आप अगर यहाँ पे आते हो तो। मैंने सोचा नहीं था कि गोवा में ट्रैफिक मिलेगा ऐसा गंदा वाला। बैक टू बैक दो सिग्नल पे रुक लिए, ये थर्ड टाइम रुक रहे अभी। तो ये जो ब्रिज है इस पे से टू व्हीलर्स आर नॉट अलाउड, सिर्फ फोर व्हीलर्स जा सकती है। वहाँ पे एक पुलिस वाला भी रखा है तो वो गाइड करता है कि आपको टू व्हीलर नहीं लेके जाना है ऊपर। तो दैट्स गुड ना। तो वी आर क्रॉसिंग द सी, समुंदर को छू के जाने वाले। अरे पंछी तो देखो बाबा। और खूबसूरत है ना, वहाँ तक पूरा लाल है। क्या हो रहा है यार, पहली बार गोवा में और सिर्फ ट्रैफिक में। नसीब नसीब की बात होती है। अच्छा यहाँ पे भी काम ही चल रहा है। भयानक गर्दी, भयानक ट्रैफिक। बस तू कुछ गिरा मत यार, इतने दूर से गाड़ी चला के आया हूँ। चलो कार होता तो अभी तक पीछे ही होता मैं। अच्छा हुआ नाइट फिर तो बाइक ही है। फाइनली यार ये ट्रैफिक से निकल गया फाइनली। अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन एटलीस्ट मूविंग है। मूविंग ट्रैफिक इज़ बेटर देन स्टॉपिंग एट अ प्लेस लाइक स्टूपिड। बॉडी थक गई है अभी। 510 किलोमीटर टोटल हो चुके हैं घर से निकलने के बाद। फाइनली बहुत टाइम के बाद ट्रैफिक बिल्कुल भी कम हो गया है, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। तो भाई स्पीड बढ़ा सक रहे हैं और जा सक रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी। ओ भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो भाई अपन पहुंच गए गोवा के अंदर और गोवा में आके मैंने मेरा सामान घर के अंदर रख दिया है। तो हमने यहाँ पे एक वीक के लिए एक अपार्टमेंट बुक किया है। इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आई होप कि ये पूरा पुणे टू गोवा वाला जर्नी आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी गोवा का सीरीज़ आने वाला है और आज से मैं गोवा एक्सप्लोर करने वाला फॉर सम टाइम। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।